मई मंथ को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं, इसीलिए मैंने आज की इस वीडियो को बनाया है जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 10 ब्रांड न्यू मोबाइल गेम्स, एकदम नए वाले ताजा गेम जो भी हाल ही में प्ले स्टोर पर आए हैं। अक्सर ना हम लोग पुराने गेम्स खेल करके बोर हो जाते हैं, इसीलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बनाया है जहां पर आप और हम साथ में मिलकर के उन न्यू गेम्स के बारे में पता करने वाले हैं, जिनके अंदर तगड़ा एक्शन, अच्छी ग्राफिक्स, कुछ गेम्स ओपन वर्ल्ड भी रहेंगे और कुछ गेम अपने साथ में स्टोरीज लाएंगे। जानना है सभी गेम्स के बारे में तो देखिए इस वीडियो को एंड तक, और अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे अपना फुल सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर बिना देरी ये करते हैं सब बाहेदार वीडियो को स्टार्ट, जहां फर्स्ट गेम निकल करके आता है जापान पोस्टमैन मोटो सिमुलेटर। ये एक ओपन वर्ल्ड मोटरसाइकिल सिमुलेशन गेम है जो सेट रहेगा जापान के अंदर। यहां पर हम लोग एक पोस्टमैन होने की भूमिका निभाते हैं और सभी के इम्पोर्टेंट लेटर्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बाइक ही ड्राइव कर सकते हैं, बाइक से उतर के भी पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग को ओल्ड नागासाकी एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगा। और हाँ, मैं ये बात जान रहा हूँ कि जब भी हम लोग नागासाकी जापान का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में काफी कुछ आता है, बट हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, गेम के विजुअल्स एंड ग्राफिक्स काफी प्यारी हैं, रियलिस्टिक फेशियल एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं, एआई ट्रैफिक है, सो ड्राइव करने में मजा आता है। और आप लोगों को पूरी फ्रीडम दे दी जाएगी इस डिटेल्ड सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर गेम का साइज भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 150 MB का गेम रहेगा जो पूरे तरीके से ऑफलाइन है। और अभी तो वीडियो की शुरुआत ही हुई है, काफी तगड़े तगड़े गेम्स आने बाकी हैं, जैसे कि वायरस जेड। ये वाला भी एक फ्री रोम ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्टोरी भी मिल जाती है। एक्चुअली में ह्यूमैनिटी खत्म होने की कगार पर आ चुकी है और चारों तरफ आप लोगों को सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे हैं। सौभाग्य इंसानी सभ्यता को बचाने की जिम्मेदारी हमारे जैसे ही कुछ लोगों के कंधों पर है। हमें करना क्या होगा, 5 डिफरेंट लोकेशंस हैं क्रूशियल एंटीटोड्स के, उनको ढूंढने जाना है, एक्सप्लोर करने हैं आसपास की सराउंडिंग्स, मल्टीपल वेपन्स मिल जाएंगे, ज़ॉम्बी होर्ड्स से हम लोग फाइट करते हैं, व्हीकल्स वगैरह ड्राइव करने के लिए मिलती हैं और गेम की ग्राफिक्स भी अच्छी है। कमाल की बात तो ये है यार कि गेम डेवलपर्स ने इस गेम के अंदर चीट कोड्स भी रखे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिंग कार, जिससे गाड़ियां आ जाती हैं, और मनी, जिससे आपके पास में पैसा आ जाएगा। रही बात साइज की तो वो है 850 MB और ये गेम ऑफलाइन रहेगा। इसी एक्शन से भरे हुए सफर को और भी रोमांचक बनाने आ रहा है हमारी वीडियो का थर्ड गेम रियल बॉक्सिंग 3। अगर आप लोगों को फाइटिंग या स्पोर्ट्स गेम अच्छे लगते हैं तब तो ये गेम आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। क्या आप तैयार हैं एक ट्रू चैंपियन बनने के लिए, सो हो जाइए रेडी। सबसे पहले ट्रेनिंग करते हैं, जिम सेक्शन के अंदर जाकर के खुद को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रियल टाइम में फाइटिंग का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो स्किल प्लेयर्स भी आ सकते हैं जो आपको हरा देंगे, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग करेंगे और फिर एक के बाद एक ऑनलाइन लीडर बोर्ड में अपनी रैंक को ऊपर करते चले जाएंगे। और ऑनलाइन नहीं बढ़ना तो यहाँ पर आप लोगों को सोलो चैलेंजेस मिल जाते हैं, जहाँ पर एआई के साथ में फाइट करने का मौका मिलेगा और न्यू एरिनास मिल जाते हैं। गेम की ग्राफिक्स भी अच्छी है एंड डिफरेंट मूव्स एंड कॉम्बोस बनाने का मौका मिल जाता है। और रही बात साइज की तो वो है 800 MB, जहाँ गेम ऑब्वियसली ऑनलाइन रहेगा। एंड अब हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं धरती से सीधा अंतरिक्ष में, जहाँ वीडियो का फोर्थ गेम निकल करके आता है स्टार वारा बैटल रॉयल। जी हाँ, ये एक साइंस फिक्शन स्पेसक्राफ्ट बैटलिंग गेम है। यहाँ पर अंतरिक्ष में आप लोग अपने स्पेसशिप से दूसरे अपोनेंट्स के साथ में फाइट करते हैं। ऐसे गेम्स जनरली मोबाइल पर बहुत ही कम आते हैं, सो मुझे काफी यूनिक लगा, सो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर देना चाहिए। मल्टीपल गेम मोड्स मिलते हैं, जैसे टूर्नामेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, 1v1 हो गया, सोलो वॉर्स हो गया, एंड हम सभी का फेवरेट बैटल रॉयल मोड, जिसमें अप टू 120 प्लेयर्स आते हैं अपनी स्पेसशिप्स में और हम लोग भी जाते हैं। सो फिर मीटियोर्स से बचते बचाते दूसरे स्पेसशिप्स को अटैक करते कराते खुद को सर्वाइव कराना है। ऊपर से गेम काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड भी है, सो खेलने में मजा आता है, जहाँ गेम का साइज रहेगा 1 GB का और गेम ऑनलाइन है। ये लीजिए यारो, देखते ही देखते आप और हम आपस हैं वीडियो के मिडिल में, यानी फिफ्थ गेम की तरफ, जो है वर्सेस। यारो, ये वाला गेम का जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे काफी कूल एंड इंटरेस्टिंग लगता है। आइए समझाता हूँ। इस गेम को डिजाइन किया गया है हमारे इंडियन पौराणिक कथाओं से, जैसे महाभारत और रामायण। वहीं से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स को बनाया गया, जैसे अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, और उसी टाइप के वेपन्स जैसे अस्त्र और शस्त्र हम लोग चलाने वाले हैं। तो दूसरी साइड में विलन्स होते हैं, एक साइड में हमारे हीरो कैरेक्टर्स होते हैं, और ऑनलाइन रियल टाइम फाइटिंग का मजा भी मिलता है, जहाँ पर 3v3 बैटल्स होती है। सोचिए, है ना इंटरेस्टिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, गेम की ग्राफिक्स भी अच्छी है, बीच बीच में सिनेमैटिक कटसीन्स भी आते हैं और ढेर सारे मूव्स एंड कॉम्बोज बनाने के लिए मिलते हैं। हमारे पास में कुछ स्पेशल मूव्स भी होते हैं जो काफी अच्छा एडवांटेज देते हैं फाइट्स के दौरान। रही बात गेम के साइज की तो वो है 850 MB और गेम ऑनलाइन रहेगा। चलिए जरा अब आप लोगों को कुछ हटके और डिफरेंट बताता हूँ, मिलिए वीडियो के सिक्स्थ गेम से, जो है चैंपियंस क्रिकेट लीग। काफी टाइम हो गया था और हमें कोई नया क्रिकेट गेम अपने स्मार्टफोन्स पर लॉन्च होता हुआ नहीं दिख रहा था। फिर उस अंधेरे के बादल छटते हैं और वहीं से निकल करके आता है चैंपियंस क्रिकेट लीग। हाँ, इस गेम के अंदर कुछ कमियां जरूर है, जैसे यहाँ पर हम लोग को ओरिजिनल क्रिकेट प्लेयर्स नहीं मिलते, बट कमाल की बात यह है कि गेम काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस के अंदर वर्क करता है और काफी कम साइज में आता है, सिर्फ 300 MB के आसपास का गेम है जो ऑफलाइन भी रहेगा। क्रिकेट स्टेडियम्स मिल जाते हैं, बहुत सारी टीम्स मिलती हैं,
और विजुअली भी काफी अच्छा लगता है। सो अगर आप एक क्रिकेट फैन है तब तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, चाहिए एक ना एक बार इस गेम को ट्राई कीजिएगा। और नहीं तो कोई बात नहीं, फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो है अर्न टू डाई रॉग। ये वाला एक ज़ॉम्बी एपोकैलिप्टिक एनवायरनमेंट पर बेस्ड रॉग लाइक फाइटिंग एक्शन पैक गेम है। मतलब एक के बाद एक तो बाहर गाड़ियां चलाई जा रहे हैं, पूरा एनवायरनमेंट और बैकग्राउंड डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज हमारे पर भागते आ रहे हैं लेकिन हम सभी को मार डाल रहे हैं, मल्टीपल वेपन्स का यूज कर रहे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके न्यू लोकेशंस पर जा रहे हैं। सिंगल गेम के अंदर आप लोगों को प्लेटफॉर्मर मजा मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा और तबाहीदार एक्शन करने के लिए मिल जाएगा। हाँ, देखने में छोटे छोटे कैरेक्टर्स लगते हैं, कुछ लोगों को विजुअली अपीलिंग नहीं लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी जब खेलना शुरू करोगे ना तो एक के बाद एक खेलते चले जाओगे। जहाँ साइज भी सिर्फ 200 एमबी का ही है और गेम ऑनलाइन रहेगा। रही बात हमारी वीडियो के 8th गेम की तो वो है BTX बैटल एक्सट्रीम। ये वाला एक बिल्कुल ही नया एनिमे स्टाइल का बैटल रॉयल शूटिंग गेम है जिसके अंदर आप लोगों को रिवॉर्ड मैकेनिज्म मिल जाता है। इसके अंदर BTX कॉइंस अर्न करते हैं, यानी कि खेलने के साथ साथ रियल मनी भी अर्न कर पाओगे। जनरली ऐसे गेम्स के अंदर जो गेम मैकेनिक्स होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता और खेलने में मजा नहीं आता, बट यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। गेम इंटरेस्टिंग है और ऑप्टिमाइज्ड भी है लो एंड डिवाइसेस में चलने के लिए। जेटपैक्स वगैरह मिल जाते हैं जिनसे हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं पूरे मैप को, और विजुअल भी काफी विविड और कूल लगता है। सो अगर आप लोग एक नए बैटल रॉयल गेम की तलाश कर रहे थे जिसको खेल करके थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाए तब आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका साइज रहेगा 495 एमबी का और गेम ऑनलाइन है। एंड नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम सीधा चलते हैं सेकंड लास्ट गेम की तरफ जो है डेंजर ड्यूड्स। अल्टीमेट एडलाइन फ्यूल्ड कॉम्बैट के लिए हो चाहिए तैयार। यहाँ पर हम लोग को मिलते हैं हीरो लाइक कैरेक्टर्स जिनके पास में होती है वेपन्स और वो निकल पड़ते हैं एनिमी बेसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जी हाँ, एक के बाद एक हम लोग एनिमीज को मारते चले जाते हैं। टावर्स डिस्ट्रॉय करना, घर में जाकर के उन्हें मारना, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना, बिल्कुल सही समझे डिस्ट्रक्टिबल एनवायरनमेंट मिल जाता है जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है गेम को। इसी के साथ ही एक साथ ढेर सारे अपोनेंट से हम लोग लड़ते हैं और गेम काफी लाइट वेट है, मतलब एक डिसेंट सा प्लेयर वर्सेस एनिमी एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करा देगा फ्री टाइम किल करने के लिए, जिसका साइज है 126 एमबी का और गेम ऑनलाइन रहेगा। एंड अब सर बात करते हैं वीडियो के 10th एंड फाइनल गेम की जो है ग्रीड गेम। ये एक डंजन एक्सप्लोरेशन स्टोरी बेस्ड एक्शन कॉम्बैट गेम है। यहाँ पर हम लोग को मैंडेवल एरा मिल जाता है, उस पूरी डंजन को एक्सप्लोर करते हैं ट्रेजर्स की तलाश में और उसी बीच हमारा सामना होता है अंडेड क्रिएचर्स से, यानी हम लोगों को प्लेयर वर्सेस प्लेयर और प्लेयर वर्सेस एनिमी फाइट्स मिल जाती है। अब उन्हें या तो हम लोग अकेले कर सकते हैं पूरी स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ में मिलकर के टीम अप करके उनसे फाइट कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग को मल्टीप्लेयर का सपोर्ट भी मिल जाएगा, आप लोग अपने कैरेक्टर को जैसा चाहे वैसा कस्टमाइज कर पाएंगे और जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतने ज्यादा पावर अप्स और गियर्स आपको मिल जाएंगे और फिर उन्हें अपग्रेड करके काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। इस गेम के अंदर आप लोग को बॉस बैटल्स करने के लिए मिल जाएंगी, मैजिक्स एंड स्पेल सिस्टम मिलता है और ग्राफिक्स तो बहुत ही शानदार है। यहाँ गेम का साइज ज्यादा नहीं है, सिर्फ 300 एमबी का गेम है जो ऑनलाइन रहेगा। सो मेरे भाइयों, कैसे लगी आप लोग हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर कोई फीडबैक या फिर सजेशन हो तो वो भी दीजिए, हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट फ्यूचर में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी जरूर से बताइए, हो सकता है आपके ही कमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बन जाए। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए प्रोटेक। मैम लोग आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।